दुनिया भर में कोरोना संकट के साथ साथ कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। ये उतार चढ़ाव दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में भी देखने को मिला। कभी अमेज़न के जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, तो कभी टेस्ला के एलन मस्क ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए नंबर वन पोजीशन को हासिल किया। वर्तमान में एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस शख्स के पायदान पर काबिज है। यहां हम आपको ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के जरिए दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों से रूबरू कराने जा रहे हैं। ये डेटा 25 दिसंबर साल 2021 तक का है। पहले नंबर पर है एलन मस्क। एलन मस्क आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास कुल संपत्ति 274 अरब डॉलर है। इनका नाम 21वीं शताब्दी के सबसे क्रांतिकारी लोगों में आता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाती है और फ्यूचर भी इलेक्ट्रिक कारों का ही है। इसके अलावा इनकी दूसरी कंपनी स्पेस एक्स है, जो कि स्पेस यात्रा को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस साल 2021 के मध्य तक पहले स्थान पर काबिज थे, लेकिन वर्तमान समय में वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति 197 अरब डॉलर है। अमेज़न को इन्होंने साल 1994 में फाउंड किया था। शुरुआत में इनकी कंपनी सिर्फ किताबें बेचा करती थी, लेकिन आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नाल्ट। अमीरों की लिस्ट में बर्नार्ड अर्नाल्ट अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि वे साल 2021 में पहले स्थान पर भी पहुंचे थे, लेकिन शेयरों में गिरावट के कारण इन्हें नुकसान हुआ है। ये एक फ्रेंच इन्वेस्टर हैं और LMVH के चेयरमैन और CEO भी हैं। वर्तमान समय में इनकी कुल संपत्ति 171 अरब डॉलर है। चौथे नंबर पर बिल गेट्स। ये अमीरों की लिस्ट में फिलहाल चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। इनके पास अभी कुल संपत्ति 128 बिलियन डॉलर है। बिल गेट्स कोई पहचान के मोहताज नहीं है। कुछ साल पहले वे बहुत लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। इनकी मुख्य आय का स्रोत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जिसके ये संस्थापक हैं। पांचवें नंबर पर लैरी पेज। दुनिया के सबसे फेमस सर्च इंजन गूगल के संस्थापक लैरी पेज के पास इस समय कुल 130 अरब डॉलर की संपत्ति है, जो इन्हें दुनिया का पांचवा सबसे अमीर आदमी बनाता है। गूगल ने साल 2006 में अरबों की डील कर यूट्यूब को खरीदा था। इसके अलावा गूगल में अन्य कई सारे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स भी शामिल है, जिनसे इनकम होती है। छठवें नंबर पर सर्गे ब्रिन। सर्गे ब्रिन गूगल के को-फाउंडर हैं। फिलहाल इनकी कुल संपत्ति 125 अरब डॉलर है। ब्रिन ने लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल को दुनिया की दिग्गज कंपनी बनाया। आज गूगल काफी लंबे समय से दुनिया की टॉप सर्च इंजन कंपनी बनी हुई है। सातवें नंबर पर मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग फिलहाल दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मार्क जुकरबर्ग अभी कुल 125 अरब डॉलर के मालिक हैं। इन्होंने फेसबुक को फरवरी 2004 में फाउंड किया था। इसके अलावा मार्क ने साल 2012 में इंस्टाग्राम और साल 2014 में व्हाट्सएप को अरबों की डील कर खरीद लिया था। आठवें नंबर पर स्टीव बाल्मेर। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीव बाल्मेर की कुल संपत्ति 119 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। दौलत की इस ऊंचाई पर पहुंचने वाले वे दुनिया के आठवें व्यक्ति बन गए हैं। नवे नंबर पर लैरी एलिसन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल के मालिक लैरी एलिसन विश्व के नवे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनके पास कुल संपत्ति 109 अरब डॉलर है, जो इन्हें दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल करती है। इसके अलावा ये अमेरिका के 41वें सबसे बड़े आईलैंड के मालिक भी हैं।
दसवें नंबर पर वॉरेन बफेट। बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ वॉरेन बफेट का नाम भी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल है। वर्तमान समय में इनके पास 107 अरब डॉलर की संपत्ति है और ये दुनिया के 10वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। इनका नाम दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर में शामिल है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।